पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान से समाजवादी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। सपा नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, हम रामकृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा ने कहा, सपा के लोग राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान के आदर्शों पर चल रहे हैं? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते थे। भाजपा के लोग भगवान राम को ही बेच रहे हैं। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं। इस बयान से नुकसान तो पार्टी का होता है। तो पार्टी का बयान थोड़े हैं, हम कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर हम चलने वाले लोग हैं और चल रहे हैं। और हमने उसने ने वहाँ कहा था, रब कुल रीत सदा चले आई, वचन जाए पर वचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते थे। ये तो भगवान राम कोई बेच रहे हैं, हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार करते हुए शिवपाल सिंह ने कहा कि वो बड़बोले हैं, मैनपुरी के उपचुनाव में भी आए थे, हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको खूब सबक सिखा दिया है, आगे भी उनको बताएंगे कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है। इनके बड़बोले पन पर मैनपुरी की जनता ने सबक सिखाया है, अब यूपी की जनता आगे आने वाले चुनाव में भी सबक सिखाएगी। मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, यानी जातियों का नाम लेते हुए तेली कुम्हार सुपच किरात कोल कलवार, इत्तेफाक है सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इस शब्द से इन जातियों के लाखों करोड़ों लोगों को कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इसी तरीके से एक स्थान पर और आया है जो चौपाई का अंश इस प्रकार है कि ढोल गंवार सूद पर सुनारी शकल ताड़ना के अधिकार। सूद पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु पशु की कैटेगरी में, सबको ताड़ना दंडित करना मारना, कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं, देश के सभी आदिवासी दलित पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा यह धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? हम समझते हैं धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है, लेकिन मानवता पर कोई कुठाराघात करता है, मानव सम्मान मानव स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ करता है, धर्म नहीं हो सकता। और इसी क्रम में हम ये भी जानते हैं कि धर्म सबके लिए बराबर होता है,
लेकिन तुलसीदास जी की एक चौपाई से ये भी स्पष्ट किया गया, नहीं कुछ के लिए कुछ के लिए कुछ व्यवस्था होती है, जिसमें लिखा गया है कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा, यानी विप्र ब्राह्मण समस्त गुणों से हीन है, कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है, फिर उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, ज्ञानी हो, प्रकांड जानकारी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो, क्योंकि वो शूद्र है। तो ये जो भेदभाव की भावना है, ये धर्म का चरित्र नहीं है। यद्यपि मैं इसको धर्म धार्मिक पुस्तक के रूप में मानता भी नहीं, क्योंकि जब बाबा तुलसीदास ने खुद कह दिया कि मैं स्वांता सुखाय के लिए इसको लिख रहा हूं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अपनी खुशियाली के लिए लिखा है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, और उसको उसमें विभिन्न प्रकार का भाषा निबंध का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। तो उनके लिखने पर एतराज नहीं, लेकिन वो अंश जिसे एक बहुत बड़े वर्ग महिला समुदाय, एक वर्ण शूद्र समाज, तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है, इसको उस हिस्से से अलग कर दिया जाए या सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर। बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताया था, साथ ही उन्होंने कहा था कि बहुत लोग इसे नहीं पढ़ते हैं। उन्होंने कहा था कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है, ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर कर देना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की चौपाई है, इसमें वह शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल उठाते हुए उन्हें खुद के चरित्र को देखने की सलाह दी थी। उन्हें कहा था कि प्रभु राम भारत का चरित्र है। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण करते हैं, और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है, राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है, तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है, तो राम ही चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है, और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति का प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात।